कहा है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार मेरी भी माने, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसा प्रोमो में दिखाया था, बहुत ही बड़ा ड्रामा है, बट वो कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोमो। तो आपको ये एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए, इट्स आई थिंक रियली इंटरेस्टिंग और एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, और शायद झनक अब किसी का सपोर्ट ना ले और अपने बलबूते पर अपना करियर बनाए। अपसेट तो हैं क्योंकि सब चाहते थे कि वो घर से निकल जाए और वो नहीं निकल रही है, और बाकी सबके अंदर अलग अलग डिलेमा है, अलग अलग बेचैनी है, सबके क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट हैं। जैसे अर्शी का मेन कंसर्न इज़ मोर लाइक कि अनिरुद्ध ने फाइनली पहली बार एक्सेप्ट किया है कि ये मेरी पत्नी है, झनक मेरी पत्नी है, तो दिस पुट्स अर्शी एट अ वेरी कन्फ्यूज्ड स्टेटस कि क्या चल रहा है। तो या मैं कहूँगी कि अभी देखते जाओ पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा ड्रामा आने वाला है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हैं और शो और इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। अब तो ये शादी तभी होगी और शादी की रस्में तभी पूरी होगी जब ये अपना चेहरा दिखाएंगे। ये मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, और एक बार यहाँ से दूर पत्री चली जाऊंगी, आप में से कौन होगा जो मुझे सपोर्ट करेगा? कोई भी नहीं। मैं अकेली हो जाऊंगी, मैं कैसे साथी से शादी कर लूं जो अपनी शक्ल तक नहीं दिखा रहा है? मुझे ये शादी यही करनी है। आप लोगों पे फिर से बोझ नहीं बनूंगी। उस रास्ते पे कितने ही गड्ढे क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पर वो मेरी किस्मत होगी। हो सकता है एक अच्छा रास्ता हो, वो भी मेरी किस्मत होगी, लेकिन वो जिंदगी मैंने चुनी होगी, और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि